अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन। व्यूअर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि अब हमने यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के हवाले से एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं और गूगल में सर्च भी कर सकते हैं lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आपके पास आ जाएंगे, और सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, और मैनुअली भी आप हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हमारे वेबसाइट पर भी हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया हैं, यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाई ईमेल पहुँच जाए करें, तो यहाँ फॉलो बाई ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट भी सब्सक्राइब हो जाएगी, फिर आपके पास हमारी वेबसाइट की भी तमाम के तमाम अपडेट्स बाई ईमेल पहुँच जाए करें। तो व्यूअर्स, चलते हैं, अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। मेरा नाम असलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं कोडलड्रा ग्राफिक्स X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 46 है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पैरल डायमेंशन टूल के बारे में, ठीक है? तो अगर आप अपनी टूल बार में आए तो जहां लास्ट टाइम हमने टेक्स्ट का जहां पर पढ़ा था, ठीक है, टेक्स्ट और टेबल, ठीक है, उसी के बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगा पैरेलल डायमेंशन टूल। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है? इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी आप मेन्यू बार को देख सकते हैं, ठीक है? हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले व्यूअर्स, मैं इसको थोड़ा सा यानी कि यहां से जूम कर लेता हूं कि यहां से मैं मेन्यू बार भी जरा करीब पड़ेगी, ठीक है? मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है? तो इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद व्यूअर्स, अगर मैं पैरेलल डायमेंशन टूल को आपको सिंपली समझाऊं तो ये किसी भी चीज को नापने के काम आता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा तूलो अर्ज, ठीक है, या डायमेंशन, यानी कि किसी चीज को नापना कि वो कितनी है। यानी कि अब मैं ये रेक्टेंगुलर को नापना चाहता हूं तो इसे मैं नाप सकता हूं इसकी एक नोट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके मुझे ड्रैग करना है, ड्रैग करके दूसरे नोट तक जाकर मुझे ड्रैगिंग छोड़ देनी है, ठीक है? छोड़ने के बाद अगर मैं यहीं पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए इसने यहीं पर मुझे बता दिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं जी मुझे यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह पहले ड्रैग करूंगा, ड्रैग करने के बाद अब मैं कहता हूं जी यहां थोड़ा सा यहां पे ऊपर चाहिए मुझे, यहां पर लाके मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इसने मुझे ऊपर आकर शो कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आप इसके यानी कि चाहते हैं कि इसके जो साइज है सेंटर वाला यानी कि नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसे भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको सिंपली ये नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, अगर अपनी मेन्यू बार में आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको आएगा डायमेंशन स्टाइल, ठीक है, कि डायमेंशन का स्टाइल क्या होना चाहिए। इस समय ये डेसिमल में है, यानी कि 4.331 इसको हम डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन में आए, ठीक है, फ्रैक्शन यानी कि चौथे का ये कितना हिस्सा है, ठीक है, उस चीज को नजर आए, ठीक है, यानी कि ये चार बॉक्सेस हैं तो इसका वो कह रहे हैं कि 4/1 है, यानी कि चौथे का पहला हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा ही है। उसके बाद यूएस इंजीनियरिंग में अगर आप चाहते हैं तो उसमें भी आ सकता है, और यूएस आर्किटेक्चर में भी ये आ सकता है। तो आप अपने यूज के मुताबिक भी इसे यूज कर सकते हैं। जो ज्यादा सिंपलीफाई यूज होता है वो होता है डेसिमल, ठीक है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं डेसिमल में यूज करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि डायमेंशन प्रिसिशन, ठीक है, यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि ये 4 कुछ आ रहा है, ठीक है, 4.333 यानी कि पॉइंट के बाद दो रकमे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, ठीक है, चार आ जाए तो ये देखिए चार आ गई, अगर आप चाहते हैं कि एक आ जाए तो एक आ गई, और अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू बताए तो इसने ये एग्जैक्ट बता दी, ठीक है। तो ये भी आप अपने यूज के मुताबिक कर सकते हैं कि अगर आपको दो चाहिए तो आप दो कर सकते हैं, हत्ता कि आपको अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी चाहिए तो 10 भी आपको देगा, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि आप इसकी डायमेंशन यूनिट क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अपने जो ये इसको नापना चाहते हैं क्या इसे इंचेस में नापना चाहते हैं, तो फर्स्ट में आपको ये इंचेस का एक छोटा सा वो दिया गया है, ठीक है, इसको हम इंचेस ही बोलते हैं, किस आपका ये जो डॉट्स लगे हुए हैं। उसके बाद इंचेस की शॉर्ट फॉर्म भी है यहाँ पे IN, और इंचेस अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे MM की शॉर्ट फॉर्म भी है और MM फुल फॉर्म में भी है, ठीक है।
तो आप इसे जिस तरह से भी यूज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये बता रहा है जी डिस्प्ले यूनिट्स के, यूनिट अगर यानी कि यूनिट आपने लगा तो दिया लेकिन क्या ये उस यूनिट को इसके नंबर के साथ डिस्प्ले करे या ना करे, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्लिक अनचेक कर दिया तो ये हट गया, और अगर मैं इसको चेक कर दूँ, ये देखिए यहाँ पे यूनिट यहाँ पे आपने जो भी सेट किया होगा वो उसी के मुताबिक काम करेगा, लेकिन आप लगा चाहते हैं यानी कि शो हो उसके साथ या ना हो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला आ रहा है शो लीडिंग जीरो के, इसका व्यूअर्स ये होता है कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो इससे ये होगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 1 से नीचे है, ठीक है, यानी कि 0. कुछ है, 0.1, 0.2, 0.3 वगैरह है, ठीक है, तो उसमें भी ये आपको यानी कि 0.1 वगैरह से शो करे या ना करे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो 1 के बाद फिर वो शो नहीं करेगा, ठीक है, तो आप इसको ये लगा रहने दीजिए। उसके बाद प्रोफिक्स में आ गया व्यूअर्स के, आप यानी कि इसको यानी कि अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि ये केजी में है या यानी कि लीटर्स में है, तो यहाँ पे आप केजी वगैरह को सेट कर सकते हैं, ऐसे करके आप एंटर करेंगे तो ये देखिए केजी 4.33 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप केजी इंच वगैरह उनको सेट कर सकते हैं, और सफिक्स में अगर मैं चाहता हूँ जी इंचीज वगैरह सेट हो जाए तो ये देखिए यहाँ पर इंचीज आ गया, ठीक है। अगर मैं मिलीमीटर में करना चाहूँ तो वो आ गया, वो इसके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप केजी लिखेंगे तो ये केजी यहाँ पर भी एड पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आता है जी डायनामिक डायमेंशन, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जितने भी हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस थे ये सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इसको अपडेट करता रहेगा, यानी कि अगर आपने इसे चेक की लगाया हुआ है तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर रहा हूँ तो ये देखिए इसी को साथ ही बड़ा कर रहा है, और अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो ये देखिए इसने साथ ही साइज को भी छोटा कर दिया। इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे तो ये आपको साथ साथ बताता रहेगा कि ये अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको चेक लगा रहने दीजिएगा डायनामिक डायमेंशन को, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ गया टेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। जो आपको ये टेक्स्ट नजर आ रहा है ये, ठीक है, आप इसकी पोजीशन को कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन के लिए आपके पास अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया, सेंटर में अगर रखना चाहते हैं तो सेंटर में आ गया, और अगर आप बिल्कुल आप बेलो यानी कि एंड पर रखना चाहते हैं तो वहां पर आ गया, ठीक है। और सेंटर द टेक्स्ट अगर हटा देंगे तो फिर आप टेक्स्ट को जहां मर्जी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर आप सेंटर टेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में ले आएगा, तो इसको मैं सेंटर में भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आता है फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये आपके तब यूज में आएगा जब आपने किसी चीज को वर्टिकली नापा होगा, ठीक है, वर्टिकली नाप के यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकली किया शो, लेकिन अब ये देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट है व्यूअर्स वो यानी कि वर्टिकल में ही आ रहा है तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको यानी कि यहाँ से फोर्स टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट चला गया, ठीक है, जिससे कि आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स लास्ट में आ जाता है ड्रॉप बॉक्स अराउंड टेक्स्ट, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के अराउंड यानी कि एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसके साथ इजीली आप यानी कि अपने टेक्स्ट को पढ़ सकेंगे या उसके ऊपर फोकस कर सकेंगे। फिर आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके मुताबिक आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आता है कि कस्टमाइज एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, हम इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन ये देख लें, अब यहाँ पर आपको ये लाइन जो नजर आ रही है, ठीक है, ये कितने फासले पर होनी चाहिए ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट में और इसमें कितना फासला होना चाहिए, यहाँ से हम लोग ये चीज सेट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करके इसे यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी 1, ठीक है, तो 1 करने से ये देखिए कितनी ज्यादा छोटी हो गई, अगर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैं यहाँ से इसको अनचेक कर दूँ, ठीक है, और इसको नीचे वाले को चेक करके अगर मैं नीचे वाले को 1 कर दूं तो ये देखिए अब ये देख सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन अब ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इन लाइन्स वगैरह को भी ज्यादा कम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और ऊपर वाले को भी 0 कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स इसकी यहाँ पे आते हैं कि इसकी आउटलाइन वगैरह आप कितनी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं कि कितना आपको ये नुमाया नजर आए, ठीक है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो स्टाइल है साइडों का, ठीक है, आप उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इसके ये एरोस चेंज हो गए, अगर मैं इन एरोस को ये दे देता हूँ तो ये देखिए इसमें चेंज हो गए, और अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इनको यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप इसकी अंदर वाली यानी कि लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए उसका स्टाइल भी आप चेंज करवा सकते हैं, उसके भी यहाँ पे प्यारे प्यारे स्टाइल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो भी आप चेंज करवा सकते हैं।
तो ये था वीवर्स पैरेलल डायमेंशन टूल। ठीक है, सिंपलीफाई अगर बताया जाए तो पैरेलल डायमेंशन टूल आपको इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली नाप सकें कि वो कितना चौड़ाई में कितना है और लंबाई में कितना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक आप उसके ऊपर वर्क कर सकें। ठीक है, तो वीवर्स आपने इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना कि हमारे लेक्चर्स यानी कि कितने ज़्यादा लंबे होते हैं, या 8 मिनट का है, या 10 मिनट का है, या ये 15 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, तो जाहिर बात है अगर मैं लंबा लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे भी अपलोड करने में थोड़ा सा मसला तो होता ही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। ठीक है, हर लेक्चर में कि ये चीज़ किस काम आती है, किस लिए काम आती है। ठीक है, इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल करेंगे तो तब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ टेक्स्ट के यहाँ पे टूल्स के बारे में पढ़ना है कि टूल्स क्या होता है, क्या काम करता है, तो वो भी इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, कि अगर आप यानी कि फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देख रहे हैं, या अगर आपने पीछे कोई भी कोरल ड्रा का कोई भी वर्जन नहीं चलाया या एडोब फोटोशॉप नहीं चलाया, तो उसके बावजूद भी आप इसे सीख सकें बेसिक टू एडवांस लेवल, यानी कि हम बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक बात करेंगे जिसके अंदर आप बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर कर लें। तो फिर मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड हमारी वेबसाइट को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और व्यूअर्स अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।